हाय गाइस, वेलकम टू गेम्स असेंबली। मैं हूं आकाश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप EAA मैप में अपनी खुद की बसेस खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस मैप में कोई अलग से मॉडर्ड बस नहीं डाली हुई है तो आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है बस खरीदने के लिए, क्योंकि इस मैप के साथ जो दो बसेस आती हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैन के डीलर पे ही मिलेंगी, और वो मैन के डीलर लोकेट करना इतने बड़े सिटी में थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। पिछले जॉब करते वक्त मुझे एक मैन का डीलर मिल गया था, तो हम उसे अभी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो बस मिलेंगी, एक तो ये वाली मिलेगी और एक मिलेगी ये वही दो बसेस हैं जो हमें इस मैप के मॉड के साथ मिली हुई हैं। अलग से कोई अभी बस का मॉड मैंने नहीं डाला है जो हमें मैन के डीलर पे मिल सके। तो दोस्तों, इस बस को परचेस करने के लिए हमें पहले तो लेवल 8 का होना पड़ेगा और हमें साथ ही में कुछ पैसे लगेंगे। अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं और यहाँ पर मैंने एक मॉड डाल रखा है जिससे हमें अनलिमिटेड एक्सपी और मनी मिल जाएगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले क्विक जॉब। हम कोई सा भी एक रैंडम ले लेते हैं। तो हमें हमारा यहाँ पर एक जॉब मिल गया है जिसको ख़त्म करते से ही हमें बहुत सारा पैसा और एक्सपी मिलने वाला है, तो फटाफट से मैं जॉब ख़त्म कर लेता हूँ और फिर हम खरीदेंगे हमारी एक पहली बस। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जॉब कंप्लीट कर लिया है। अब जैसा कि देख सकते हैं, ड्रिवन डिस्टेंस है मेरा सिर्फ 1 किलोमीटर और हमारा जो जॉब का डिस्टेंस था टोटल वो था अराउंड 250 किलोमीटर। तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर यूज़ किया था कंसोल हमारे इस गेम का। अब इस कंसोल को कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पर हमें बहुत सारे स्किल पॉइंट्स मिले हैं, हम इसे पूरा भर सकते हैं अभी, पर अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जाते हैं ट्रक डीलर्स पे और हमारे मॉडल मैप पे आते हैं, विजिट करते हैं इस ट्रक डीलर को। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर हमारी दो बसेस मिलेंगी, एक तो ये वाली और एक साथ में ये वाली। बाकी सारे ट्रक्स हैं यहाँ पे, तो ट्रक तो हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए बस। तो इस मॉड के साथ आई हुई यही दो बसेस हैं जो हमें मैन के डीलर पे ही मिलेंगी, तो अभी हम इसे परचेस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बस हमारी डिलीवर हो चुकी है। खैर, ये तो रही बात हमारी मैप के साथ आई हुई बस की, पर अगर आपने कोई दूसरी मॉडल बस डाली हुई है तो उसको ख़रीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो आप अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करें और डीलर ढूंढें, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं इस गेम का कंसोल जिससे किसी भी जगह पर हम कुछ ही सेकेंड्स में जा सकते हैं। कैसे, हम ये देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले आना होगा ट्रक डीलर्स के ऊपर, और यहाँ पर हमें देखना होगा किस किस सिटी में हमारे पास ट्रक डीलर्स हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं ये सारे हमारे ट्रक डीलर्स ही हैं, तो हम इसमें से किसी में भी जा कर देख सकते हैं। या तो हम यहाँ पर ट्रैवल करें, या तो फिर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उससे हम जा सकते हैं। तो हमें जाना है अगर यहाँ पर, तो इसमें हम फटाफट कैसे जा सकते हैं? आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करिए टिल्डा की, तो इससे हमारे एक कंसोल खुल जाएगा और यहाँ पर टाइप करिए ये कमांड, और आपको जो सिटी में जाना है उसका नाम लिख लीजिए और कर दीजिए एंटर। यहाँ से बाहर निकलते हैं और आ गए हम उसी सिटी में जो हमने अभी टाइप की थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ है डीलर, तो सामने हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हम हमारे करते हैं बस को टेलीपोर्ट F9 की से, जाते हैं ट्रक डीलर के अंदर और देखते हैं यहाँ पर कोई बस है या नहीं हमारे पास। तो इस डीलर पे तो हमारे पास अभी कोई बस नहीं है, तो हम लीव कर देते हैं और ढूंढते हैं कोई दूसरा ट्रक डीलर। तो देखिए, ये हमारे पास आ चुका है, अब हम इस पर कभी विजिट कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पर आ गए हम दूसरे सिटी में, यहाँ का मैप चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ है डीलर? हमारे सामने ही है। आते हैं यहाँ पर, टेलीपोर्ट करते हैं हमारी बस को, करते हैं एंटर। तो यहाँ पर हमें मिली है मर्सिडीज़ की बसेस। तो एक बस है हमारे पास, दो हैं, तीन बस हैं, और है क्या कोई? अभी हम इसे ले लेते हैं, थोड़ी मॉडर्न सी है, ड्राइव कर सकते हैं।
हमारी बस हमें कहाँ चाहिए, हमारे पास तो एक गैरेज है भी, तो यहाँ पे पहुँचा दो भैया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कितनी जल्दी जल्दी हम अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल किया और हमें ड्राइव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आपके गेम में कंसोल नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप जान जाएंगे कि कैसे आपको इस गेम में डेवलपर कंसोल इनेबल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।